दोस्तों आज का वीडियो होने वाला उन लोगों के लिए जो यूज़ करते हैं BXS की डीजल्स कार। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप फिल करेंगे DEF फ्लूड, जिसका नाम है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर और आप देख रहे हैं अबाउट कार्स। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाएं। तो दोस्तों DEF फ्लूड को आपको अलग नाम से भी बोला जाता है, जिसका नाम है एड ब्लू और OS32। जो मेनली यूज होता है, जो नाम है उसका नाम है एड ब्लू, और जो DEF फ्लूड मिलकर बना हुआ होता है वो 32.5% आपका होता है यूरिया और 67.5% आपका होता है डीआयोनाइज्ड वाटर। तो इन दो केमिकल्स से मिलके बनता है आपका DEF फ्लूड, और ये यूज होता है आपका पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो जो आज का वीडियो है वो है आपका मेनली बोलेरो के ऊपर, किस प्रकार से मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो कि बोलेरो में आप किस प्रकार से फिल करेंगे DEF फ्लूड, या फिर आप एड ब्लू भी कह सकते हैं। और सेम प्रोसेस रहने वाला है आपका स्कॉर्पियो ऊपर भी, जो आपकी स्कॉर्पियो SUV आती है उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहने वाला है, जो BS6 मॉडल अब आ रही है स्कॉर्पियो। तो दोस्तों बोलेरो और स्कॉर्पियो का जो आपका DEF का जो टैंक होता है बना हुआ पीछे, क्योंकि जो आपकी ड्राइवर साइड के हिसाब से आप ले चलें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो रहता है उसमें पड़ता है आपका डीजल, और राइट हैंड साइड में बिल्कुल ड्राइवर साइड में आपके पीछे पे वो रहता है, वहाँ पे पड़ता है आपका DEF फ्लूड। तो उसका अलग सा पैनल है, वो अंदर से ही खुलता है पीछे साइड से, उसमें एक वायर टाइप की होती है, आपको वायर खींचनी पड़ती है और अंदर बाहर से उसकी जो है कैप खुल जाती है। तो दोस्तों दोनों का मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे लोकेशन है, और जो इसमें चेंज करने की लिमिट है वो है आपकी 9000 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर तक आपकी चलती है अगर आप अपना फुल 20 लीटर का टैंक रहता है, इसमें 20 लीटर की कैपेसिटी रहती है आपकी DEF फ्लूड की, खासकर महिंद्रा की गाड़ियों में। तो 20 लीटर आप जब भरवा देंगे तो कम से कम आपका 9000 किलोमीटर ही आपकी कार रन करेगी। अगर अगर आपकी कार में DEF फ्लूड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी और फिर आपकी गाड़ी रन भी नहीं हो सकती, मतलब आपकी कार खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे साइन भी मिल जाएगा, उस साइन पे आपका लिखा हुआ रहता है कि आपका कितना चलने वाला है करीब करीब। जो स्कॉर्पियो की मैं आपको बात बता दूं तो स्कॉर्पियो में जब साइन आ जाता है उसके बाद आपकी जो स्कॉर्पियो जो SUV आती है वो कम से कम 2400 किलोमीटर चलती है अकॉर्डिंग टू द यूज़र मैनुअल में जो लिखा हुआ है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 2400 किलोमीटर उसमें रेंज लिखी हुई है। अगर जैसे आपका फर्स्ट साइन आ जाता है यूरिया का, कि लो इंडिकेटर आपका यूरिया का लो इंडिकेटर वाला साइन आ जाता है, उसके बाद गाड़ी आपकी जो है 2400 किलोमीटर चल सकती है। सेम लगभग बोलेरो में भी आपका यही रहने वाला है। तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप DEF फ्लूड अपना फिल करेंगे। दोस्तों आप जो ये बकेट देख रहे हैं इसकी जो कैपेसिटी आपकी 10 लीटर है, और ये मैक्सी क्लीन के नाम से आता है, जो आपको महिंद्रा के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसका जो प्राइस रहने वाला आपका वो है 610 रुपीज़, और तो इस प्रकार से ये फील होगा। बाकी दोस्तों जो किसी और कंपनी का होगा या फिर किसी किसी बकेट में साथ में पाइप भी आता है फिल करने के लिए, ताकि इजीली आप फिल कर सकें एड ब्लू या फिर आप DEF कह सकते हैं। दोस्तों जिस टाइम आप ये फ्लूड अपनी कार में फिल करेंगे उस टाइम आपको अपना जो इग्निशन है वो ऑफ करके रखना है, आप जो आपकी की है वो आपको हटा के रखनी है इग्निशन से। और तो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है इसमें, जब आप इसे पूरा तरीके से फिल कर लोगे तो उसके बाद 20 मिनट तक आपको कार को स्टार्ट नहीं करना है। जब आपके 15 से 20 मिनट हो जाएं उसके बाद ही आप अपनी कार को इग्निशन ऑन करेंगे और उसके बाद ही आप अपनी कार आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर जो इस प्रोसेस में सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको गाड़ी कम से कम 20 मिनट तक आपको इग्निशन ऑफ रहना चाहिए। कुल मिला के अपनी की है जो गाड़ी की अपने साथ में निकाल के रख लें बाहर के किनारे, बिल्कुल आपके स्विच में भी नहीं लगी होनी चाहिए। जब आपका 15 से 20 मिनट हो जाए उसके बाद आप अपना इग्निशन ऑन करें और उसके बाद देखें कि आपका जो
उसका आपका एक जो सिंबल होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे यूरिया का लो वाला, तो वो हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटाया तो फिर आप एक बार इग्निशन ऑन ऑफ करेंगे एक दो बार, तो ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।